उसके बाद में लाइव में आपको दिखा देता हूं जो विड्रॉल मैंने लिया हुआ है। देखिए लास्ट पेमेंट वॉज इश्यूड ऑन 21 जैन फॉर 162.73 डॉलर। ठीक है, ट्रांजेक्शन में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 to 31 दिसंबर तक 164.49 की अर्निंग हो चुकी थी, जिसमें से 162.73 का विड्रॉल हो चुका है। तो दोस्तों जिनको वर्क फ्रॉम होम जॉब करना होता है ना, उन लोगों के लिए गूगल एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको ये काम करने के लिए किसी भी एक्सपीरियंस की या फिर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, कोई भी यहाँ पे वो काम कर सकता है, और आपके पास सिंपल मोबाइल फोन भी है तो भी वो आप काम कर सकते हो। आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपका एक आपके पास मोबाइल होना चाहिए, उसमें इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, और फिर जो भी आप काम करेंगे उसके ऊपर गूगल आपको पैसे देता है। कितने पैसे देता है आपको मैं एक डेमो दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि कितने पैसे आप कमा सकते हैं और क्या काम करना है। ठीक है, लैपटॉप की स्क्रीन में चलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिलेक्ट अ रीजन, तो आप कौन से रीजन से है वो आपको सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एशिया एंड पैसिफिक कंट्रीज, मतलब मैं इंडिया से हूँ तो मुझे एशिया एंड पैसिफिक कंट्रीज सिलेक्ट करना है। अब देखिए दोस्तों, मैं जो भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ वो होता है जॉब्स के ऊपर, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरीज में जाता हूँ और यहाँ पे जो है ना जॉब्स एंड एजुकेशन वाला सेक्शन जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मंथली पेज व्यूज अगर मुझे 50,000 आ जाते हैं तो पूरे साल भर में $4,272 की मेरी अर्निंग हो जाएगी। पूरे साल भर में एक महीने की कितनी होगी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। 4,200 को मैं डिवाइड करता हूँ 12, मतलब मंथली मुझे $350 मिलने चाहिए, पर मुझे कितने मिले हैं $162। क्यों? क्योंकि मुझे मंथली 50,000 व्यूज नहीं है, फिर भी मुझे $150 मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मुझे मंथली 25,000 पेज व्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से गूगल ने मुझे लगभग $160 की अर्निंग करके दी है, वो भी घर बैठे। मैंने अपने ये सारा काम जो है ना वो मोबाइल से किया हुआ है। अभी देखिए दोस्तों आप ये काम कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पे गूगल की तरफ से अगर वर्क फ्रॉम होम जॉब करके अर्निंग करनी है तो आप कैसे करेंगे, सारी डिटेल जो है ना आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, जो कि आप फ्री में कर सकते हो। कैसे करना है सारा डिटेल आज के इस वीडियो में रहेगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के मैं वीडियो को शुरू कर देता हूं। आप अलग अलग वेबसाइट में जाते हो, वहां पे एड्स देख के पैसे कमाते हो, या फिर वीडियो देख के पैसे कमाते हो, या फिर आप ईमेल यूज करके पैसे कमाते हो, तो उनमें जो अर्निंग है ना उससे कई गुना ज्यादा अर्निंग आपको यहाँ पे हो सकती है अगर आप सही से काम करो। तो तरीका क्या है काम करने का वो मैं आपको बता दूंगा, कौन से कंटेंट को आपको बनाना है जिससे कि आपकी ज्यादा अर्निंग हो जाएगी वो चीज मैं आपको बता दूंगा, और आप कैसे इसको बढ़ा सकते हैं ना वो चीज भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, फ्री वाले टूल्स जो भी गूगल के हैं उनको आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे एक भी रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं यहाँ पे समझा दूंगा जिससे कि आप यहाँ पे अपना काम जो है ना शुरू कर सके। दिन में आपको 1 से 2 घंटे मिल जाते हैं, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, और पूरे मंथ में अगर आप हर रोज 1-1, 2-2 घंटे इन्वेस्ट करते हो तो 1-2 महीने के बाद आपकी यहाँ पे अर्निंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में देखें दोस्तों व्यूज लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर उसके बाद जैसे आपका यहाँ पे कंटेंट जो है ना अच्छा बन जाता है ना तो उसके ऊपर व्यूज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए गूगल एडसेंस से आप 2 तरीके से अर्निंग कर सकते हो। गूगल एडसेंस जो है ना वो आपको 2 तरीके देते हैं अर्निंग करने के, एक तो वीडियो कॉन्टेंट और दूसरा है जो है वो टेक्स्ट कॉन्टेंट। टेक्स्ट कॉन्टेंट मतलब एक वेबसाइट या फिर ब्लॉग, और वीडियो कॉन्टेंट मतलब यूट्यूब। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को यूट्यूब के वीडियो बनाने में थोड़ी परेशानी आ जाती है, कैमरा फेस नहीं हो पाता है, उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता है, बोलने नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं वीडियो कंटेंट क्रिएट करने के लिए। पर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है गूगल की तरफ से, जहां पर आप बिना फेस दिखाए सिंपली आर्टिकल्स लिख के या फिर कोई ब्लॉग लिख के आप वहां पे अर्निंग कर सकते हो, जिसमें आपको कोई ज्यादा इनपुट देना नहीं पड़ता है। सिंपली आपको एक कंटेंट उठा लीजिए जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो, आर्टिकल लिखना एकदम आसान हो जाता है। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे टूल्स है फ्री वाले जिनको यूज करके आप आर्टिकल लिख सकते हो, कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, और वो क्रिएट करके आप वहां पे अर्निंग कर सकते हो, जितने आपको व्यूज आएंगे उतने आप अर्निंग कर सकते हो। अब जो भी आप आर्टिकल क्रिएट करते हो कोई एक वेबसाइट में आपको पोस्ट करने पड़ते हैं, बराबर। अब वेबसाइट अगर आपको क्रिएट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पर गूगल आपको एक फ्री वाला टूल प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि आप बिना अपनी वेबसाइट क्रिएट करे सिंपली आप ऑनलाइन अपना पोस्ट डाल सकते हो। वो कैसे, ब्लॉगर को यूज करके। गूगल का एक प्रोडक्ट है ब्लॉगर करके, जहां पर आप अपनी खुद की फ्री में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और वहां पे अपने आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकते हो। वहां पे जितने आपको व्यूज आएंगे उतनी आपकी अर्निंग आसानी से हो जाती है। अब वो कैसे करना है अगर आपको देखना है तो वीडियो में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आप फ्री में एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो और वहां पे व्यूज ला के अर्निंग कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे आप ब्लॉग क्रिएट करके अर्निंग कर सकते हो।
सिंपली आपको जाना है इस नए वाले टैब में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप सिंपली क्लिक करेंगे इन गूगल एप्स वाले आइकॉन्स पे। यहाँ पे आप डॉट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप ब्लॉग क्रिएट करेंगे ना, तो आप जो भी ब्लॉग लिखेंगे वो आप अपने मोबाइल से भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्यूटर लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो मैं ब्लॉग अभी क्रिएट कर रहा हूँ, ये चीज भी आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। ठीक है, देखिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्लॉगर पे चला जाता हूँ। यहाँ पे ब्लॉगर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ कि ये ब्लॉग कैसे दिख रहा है, ये ब्लॉग मैंने क्यों क्रिएट करके रखा था। देखिए दोस्तों क्या होता है कि क्रिसमस के टाइम बहुत सारे लोग क्रिसमस के फोटोज जो है ना वो सर्च करते हैं, तो मैंने क्या किया, एक ब्लॉग क्रिएट करके रखा जिसमें बहुत सारे क्रिसमस रिलेटेड फोटोज थे। तो पब्लिक जब सर्च करेगी तो मेरे ब्लॉग को व्यूज आएंगे। अब देखिए जो ब्लॉग मैंने क्रिएट किया है वो कैसे दिख रहा है, व्यू ब्लॉग्स के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्या आप ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से मेरा ब्लॉग दिख रहा है जिसमें इमेजेस दिख रही है आपको, क्रिसमस रिलेटेड जीआईएफ इमेजेस है और कुछ कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में, सारा चीज है यहाँ पे। तो ऐसे ब्लॉग्स आप भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना गूगल की एड चलती है जिसकी वजह से अर्निंग होती है, तो वो एड्स आप कैसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे वो एक बार देख लीजिए। सिंपली आपको यहाँ पे ब्लॉग्स में आना है, अर्निंग के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपल अर्निंग के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, एडसेंस डजंट नो अबाउट योर ब्लॉग, तो आपको क्या करना है, गो टू एडसेंस के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखें दोस्तों, आपको जो अपनी वेबसाइट है ना उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो आपको करना क्या है, एड साइट के ऊपर क्लिक करना है। एड साइट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो ब्लॉग का यूआरएल है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस यूआरएल को करना होता है आपको कॉपी और यहाँ पे सिंपली करना होता है पेस्ट और सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सेव के ऊपर क्लिक करने पर आपकी जो वेबसाइट है या फिर ब्लॉग है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। और फिर उसके ऊपर आपको यहाँ पे जो एड्स है ना वो डालनी है, सी हाउ एड्स लुक्स ऑन योर साइट, तो उसके ऊपर आपको एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करना है। इसमें आपको सिंपली ऑटो एड्स जो है ना वो ऑन कर देना है। तो गूगल का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्लॉग पोस्ट में आप देख सकते हो हर एक जगह पे खाली जगह जहाँ पे मिल रही है वहां पे गूगल की एड चल जाएगी। ठीक है, तो अप्लाई टू साइट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करके मुझे ये सेटिंग सेव कर देनी है। बस इतना ही मुझे काम करना है। इसके पहले आपको अपनी जो प्रोफाइल है ना वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है, जैसे आप यहाँ पे गूगल एडसेंस में अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। गूगल एडसेंस में अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको गूगल एडसेंस की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना है और जो भी आपकी डिटेल है ना, पर्सनल डिटेल मतलब आपका नाम, आपका पता, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, आपको वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है और अपने प्रोफाइल को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद सिंपल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, एड साइट करके आपको अपना ब्लॉग का जो यूआरएल है वो डालना है और एड की सेटिंग यहाँ पे सेव कर देनी है। बस इतना ही आपको काम करना है। देखिए दोस्तों, अगर ब्लॉग से अर्निंग करनी है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, आपको कोई वेबसाइट नहीं क्रिएट करनी है, ब्लॉग से करनी है, तो ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं ना वो एक बार देख लीजिए। सिंपली एक नया ब्लॉग अगर आपको क्रिएट करना है तो सिंपली ब्लॉगर में आपको जाना होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करके आपको ब्लॉगर के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास कोई भी ब्लॉग फिलहाल में नहीं है, एक भी ब्लॉग आपने क्रिएट नहीं किया है, तो सिंपली यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे योर ब्लॉग के यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस ड्रॉप डाउन पे और न्यू ब्लॉग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दोस्तों, आपके ब्लॉग का जो नाम है ना वो आपको डालना पड़ेगा। आप कुछ भी नाम डाल सकते हो अपने ब्लॉग का, अगर वो अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे अवेलेबल में शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक सैंपल ब्लॉग जो है ना, नया वाला ब्लॉग क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी अपना डाल देता हूँ नाम, प्रूफ क्या है। ठीक है, करके मैंने यहाँ पे डाला है, नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे चैनल का जो यूआरएल है वो क्रिएट करना है, मतलब प्रूफ क्या है .blogspot.com ये आ जाएगा। ठीक, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रूफ क्या है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। प्रोसेसिंग, देखिए प्रूफ क्या है .blogspot.com करके मेरा ब्लॉग जो है ना, प्रूफ क्या है ये मेरा ब्लॉग अभी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूं तो ये पूरा का पूरा एम्प्टी रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। आप देख सकते हो, देयर इज नथिंग हियर। ठीक है, यहाँ पे कोई थीम नहीं अप्लाई किया हुआ है और ना ही कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे मुझे एक नया ब्लॉग जो है ना क्रिएट करना पड़ेगा। ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और आपके ब्लॉग के ऊपर आपको व्यूज कैसे लाने हैं ना वो भी एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे आप व्यूज ला सकते हो। देखिए, कोई एक आर्टिकल आपको क्रिएट करना है जो कि ट्रेंडिंग में है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है क्या ट्रेंडिंग नहीं है? सिंपली मैं क्या करता हूं इसके लिए, देखिए मैं गूगल का एक टूल यूज करता हूं जिसका नाम है गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, इसको मैं यहां पे यूज करता हूं, गूगल ट्रेंड्स। इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपली गूगल ट्रेंड्स सर्च कर लीजिए और यहां पे वो आ जाएगा पेज। तो आपको सिंपली करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपको यहां पे आना है इस सर्च टैब में और यहां पे सिंपली आपको फाइनेंस लिख देना है। ठीक है, फाइनेंस लिखना है और एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे है ना, फाइनेंस रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है, जो ट्रेंडिंग में टॉपिक, वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। वेब सर्च आपको यहाँ पे सिलेक्टेड रखना है और पास डे, ये सारा चीज वही सेम रहेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ऑल कैटेगरीज को चेंज करके सिंपली फाइनेंस को सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे फाइनेंस मैंने सिलेक्ट कर दिया
तो ओनली फाइनेंस रिलेटेड जो भी चीज है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि आजकल फाइनेंस रिलेटेड क्या सर्च हो रहा है, पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड क्या सर्च कर रही है, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट आंसर की करके यहाँ पे सर्च हो रहा है, ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब यहाँ पे अच्छे खासे सर्च हो रहे हैं इसके रिलेटेड, फिर फाइनेंस बिल बिकम्स द फाइनेंस एक्ट करके है, फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सैलरी, तो जो फाइनेंस अकाउंट है उसकी असिस्टेंट की सैलरी कितनी है ये सर्च करती है पब्लिक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस राइट इश्यू करके जो इंडिया बुल्स का राइट इश्यू आ रहा है उसके रिलेटेड अगर आप आर्टिकल क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे अर्निंग हो सकती है, अच्छे खासे व्यूज आ सकते हैं। ठीक, अभी गूगल ट्रेंड के माध्यम से आपको ये पता चल जाता है कि आपको कॉन्टेंट जो क्रिएट करना है ना वो कौन से टॉपिक पे क्रिएट करना है, आपको कैटेगरी मालूम है कि मुझे फाइनेंस रिलेटेड कॉन्टेंट क्रिएट करना है, पर अभी टॉपिक में कहां से निकालो कि पब्लिक सर्च करती हो तो गूगल ट्रेंड्स आपको पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक पे आपको कंटेंट क्रिएट करना है। अब कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है, उस टॉपिक को सर्च करना है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी है और फिर उसको आप सिंपली यहाँ पे आएंगे अपने ब्लॉग पोस्ट में, सिंपली आएंगे यहाँ पे और न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, फिर न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करने पर आपको यहाँ पे अपना टाइटल डालना है आर्टिकल का, फिर आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपका आर्टिकल जो वो है ना आर्टिकल जो है ना वो आपको टाइप करना है। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ टाइटल डाल देंगे, आर्टिकल यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे, फिर उसमें कुछ छोटे छोटे इमेजेस डालेंगे, यहाँ पे हर चीज वो करिए जो भी आपको आर्टिकल में, आप आर्टिकल देख सकते हो दूसरे लोगों का जो भी फाइनेंस रिलेटेड आर्टिकल है उनको आप चेकआउट कर सकते हो कैसे वो लिखते हैं, वो आर्टिकल्स आप यहाँ पे लिख दीजिए, फिर आपका पूरा आर्टिकल यहाँ पे आप लिखने के बाद सिंपली आपको करना है पब्लिश, और फिर वो पब्लिश होने के बाद गूगल में वो इंडेक्स हो जाएगा, जैसे ही आपका आर्टिकल सर्च होता है तो वहां पे आपको व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी अगर उसके रिलेटेड सर्च करता है गूगल पे तो आपका वहां पे अगर आर्टिकल दिख जाता है तो वहां पे क्लिक आने पर आपको वहां पे व्यूज आ जाएंगे। ठीक है, ये जो ब्लॉग टाइपिंग का जो काम है ना आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो, ब्लॉगर का एक ऐप आता है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले पे, आपको फ्री में मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिए और ब्लॉगर के उस ऐप से डायरेक्टली आप अपने मोबाइल से आर्टिकल राइट कर सकते हो और पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है उनके इस्तेमाल से आप वीडियो कंटेंट क्रिएट करने के बजाय सिंपली टेक्स्ट कंटेंट क्रिएट करके भी अर्निंग कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा नहीं है कि सिंपली यूट्यूब से ही अर्निंग होता है, आप अपने ब्लॉगर से भी अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लिंक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कुछ चीजें आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा, और हाँ जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए उनको कोई इश्यू आती है तो उनका मैं रिप्लाई देके उनको जो इश्यू है वो सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।